और फ्रेंड्स कभी कभार आप देखते होंगे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के अलावा भी कुछ चीजें दी गई होती हैं, जिसको हम अदर वर्ड की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे वहां पे कोई प्लेस दे दिया, कोई टाइम दे दिया, या फिर कोई एडवर्ब दे दिया, तो इन सब चीजों को आप कहां पे रखेंगे सेंटेंस में। इसके लिए चलिए एक एग्जांपल से हम आपको बताते हैं, एक बहुत ही लॉन्ग सेंटेंस जिसको देखकर आप डर जाते हैं। अब जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है कि एक बूढ़ा साधु 2 साल से उस घने जंगल में एक मोटे पीपल के पेड़ के नीचे अपने प्रिय शिष्यों को तंत्र मंत्र सिखा रहा है। अब यहां पे ये जो सेंटेंस हमारा है, इसमें आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। जैसे और इसमें देखिए, जहां जहां पे कोई नाउन यूज हुआ है, उस हर नाउन के पहले कोई एक एडजेक्टिव का भी यूज किया गया, उसको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स भी इसमें आए हुए हैं। जैसे यहां पे पहला वर्ड, इसमें पहला नाउन क्या है, साधु है। तो साधु को डिस्क्राइब करने के लिए यहां पे कौन कौन से वर्ड है, वो साधु एक ही है और कैसा है, बूढ़ा है, तो इसमें एक एडजेक्टिव आ गया, बूढ़ा। और देखिए यहां पे जंगल एक नाउन है, जंगल के लिए यहां पे डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, घने, तो जंगल कैसा है, घना है, तो यहां भी एक एडजेक्टिव यूज हुआ है। और थर्ड नाउन यहां पे है पीपल का पेड़, और इसको भी डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड यहां पे है, कैसा पेड़, एक मोटा, यानी कि इसमें एक और एडजेक्टिव यहां पे पेड़ के लिए यूज किया गया है। अब यहां पे अगला नाउन इसमें क्या है, शिष्यों है, और शिष्यों को डिस्क्राइब करने के लिए यहां पे कौन सा वर्ड है, प्रिय, अपने प्रिय शिष्यों को, तो यहां भी एक एडजेक्टिव का यूज किया गया है। तो इस तरह से सेंटेंस में क्या होता है कि जब नाउन के पहले कोई डिटरमिनर या फिर कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो थोड़ा सा वो लॉन्ग हो जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हम इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। वैसे ये इतना बड़ा सेंटेंस है, आपको देख के डर तो लग रहा होगा, बट देखिए कितने आसानी से ये सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो पहचान है, ये किस टेंस के रूल्स हम इसको बनाए, पहले हमें ये देखना होगा। तो इसमें लास्ट में आया हुआ है सिखा रहा है, रहा है इसमें आ गया लास्ट में, और इसमें एक टाइम भी दिया गया कि कब से सिखा रहा है, 2 साल से। तो जब भी लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, और उसमें एक टाइम भी दिया गया होता है, तो यानी कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। आपने टेंस तो पढ़ा ही होगा, और अगर आपको टेंस में कोई परेशानी होती है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे सभी टेंसेज एकदम फुल डिटेल में आपको बताए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा, ये देखिए एक असर्टिव सेंटेंस है, इसमें कुछ बताया गया है, जब भी कुछ बताया गया हो तो वो असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। और इसमें सब्जेक्ट क्या है, कैसे पता करेंगे, कौन लगा के, कौन सिखा रहा है, आंसर मिला एक बूढ़ा साधु, यानी कि सबसे पहले हमें लिखना होगा एक बूढ़ा साधु की अंग्रेजी, एन ओल्ड मॉन्क, या फिर एन ओल्ड हर्मिट, एन ओल्ड सेज, यहां पे लिख सकते हैं एक बूढ़ा साधु। अब इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, और इसमें जो बूढ़ा साधु है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहां पे आ जाएगा हैज बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता हैज बीन या हैव बीन होता है, तो यहां पे हैज बीन का यूज कर देंगे। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसमें वर्ब आना चाहिए, और इसमें कंटिन्यूटी दिख रही है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, क्या कर रहा है वो, सिखा रहा है, क्योंकि बताया गया वर्ब क्या होता है, जो काम हो रहा है सेंटेंस में, इसमें कौन सा काम हो रहा है, सिखाने का, और सिखाना की अंग्रेजी क्या है, टीच है, और क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी है तो टीच का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, टीचिंग। अब इसके बाद जैसे ही आप वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद आपको क्वेश्चन करना चाहिए किसे लगा के, अगर उसमें कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो आपको मिल जाएगा, तो किसे सिखा रहा है, आंसर क्या मिला, अपने प्रिय शिष्यों को, अपने प्रिय शिष्यों को, तो अपने के लिए यहां पे हम हिज का यूज करेंगे, हिज फेवरेट प्यूपिल्स, अपने प्रिय शिष्यों को। अब इसके बाद आप क्या लगा के क्वेश्चन करेंगे कि वो क्या सिखा रहा है, तो क्या सिखा रहा है, तंत्र मंत्र, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब हमें लिखना है, तंत्र मंत्र की अंग्रेजी होती है होकस पोकस, थोड़ा सा फनी है बट इसकी अंग्रेजी होती है होकस पोकस, तंत्र मंत्र। तो यहां तक हो गया कि वो किसे सिखा रहा है और क्या सिखा रहा है, इसमें सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहां तक इसके सभी इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो फिनिश हो गए। अब इसमें बचा क्या क्या, एक तो बचा है उस घने जंगल में, और एक है एक मोटे पीपल के पेड़ के नीचे, और एक इसमें बचा हुआ है कि 2 साल से, तो 2 साल से क्या है, ये टाइम है,
और टाइम को हमेशा सेंटेंस के लास्ट में रखते हैं। और उस घने जंगल में एक मोटे पीपल के पेड़ के नीचे ये दोनों क्या है, एक प्लेस है, ये दोनों जगह है। तो जब दो दो जगह है तो दोनों में से कौन सा पहले लिखें, यहां भी आपको परेशानी हो सकती है कि दोनों जगह में से कौन सी जगह को हम पहले लिखें। तो अगर किसी भी सेंटेंस में दो प्लेस दिए जाए तो आपको देखना होगा इसमें छोटा प्लेस कौन सा है और बड़ा प्लेस कौन सा है। जो छोटा प्लेस होगा उसको आपको पहले रखना है और जो बड़ा प्लेस होगा उसको लास्ट में रखना है। इसी तरह से टाइम भी अगर दिया गया हो तो उसमें भी आपको देखना होगा कि छोटा ड्यूरेशन क्या है और बड़ा ड्यूरेशन क्या है। जो छोटा टाइम होगा, कम समय होगा, उसको पहले लिखेंगे, जो ज्यादा समय होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो यहां पर देखिए कि उस घने जंगल में, ये पूरा का पूरा जंगल इसमें छोटा है या फिर एक मोटे पीपल के पेड़ के नीचे का स्थान। तो यहां पे आपको शब्दों को नहीं देखना है कि कितना ज्यादा शब्द किसमें आया हुआ है, यहां पे आपको उसका जो एरिया है वो देखना है। तो घने जंगल, ये पूरा का पूरा जंगल बड़ा है या फिर एक मोटे पीपल के पेड़ के नीचे का जो स्थान है वो बड़ा है। तो यहां पे हम देखेंगे पूरा का पूरा जंगल बड़ा है और केवल पेड़ के नीचे का जो स्थान है वो छोटा है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा एक मोटे पीपल के पेड़ के नीचे। अब यहां पे आ गया के नीचे, तो इसके लिए आपको एक प्रेपोजिशन यूज करना होगा अंडर। अब एक मोटा पीपल का पेड़, तो एक के लिए यहां पे आ जाएगा अब, और मोटा के लिए आएगा थिक, अ थिक, और पीपल के पेड़ की अंग्रेजी होती है एस्पेन ट्री, एस्पेन ट्री। तो अंडर अ थिक एस्पेन ट्री। आपको बताया गया कि जब भी किसी नाउन के लिए कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड आते हैं तो उसको आप एकदम जैसे वो हिंदी में लिखा गया उसी ऑर्डर में लिखते हैं। पहले एक आया तो अ लिखा गया, फिर मोटे आया तो थिक लिखा गया, फिर पीपल का पेड़ है तो एस्पेन ट्री लिखा गया। अब इसमें बचा क्या, उस घने जंगल में, जो बड़ा स्थान है उसको लिखेंगे। उस घने जंगल में, और यहां भी एक प्रेपोजिशन है में, तो में के लिए आएगा इन, और उसके लिए आपको दैट का यूज कर देना है, इन दैट, और घने की अंग्रेजी होती है डेंस, हो गया इन दैट डेंस, और जंगल के लिए हो जाएगा फॉरेस्ट, इन दैट डेंस फॉरेस्ट। और इसके बाद इसमें बचा हुआ है टाइम, दो साल से, दो साल इसमें क्या है, एक ड्यूरेशन है। और जब भी सेंटेंस में एक ड्यूरेशन बताया जाता है कि कितना समय हो गया, तो वहां पे आपको फॉर का यूज करना चाहिए। और जब केवल स्टार्टिंग वाला पॉइंट बताया जाए कि कब स्टार्ट हुआ था, तो वहां पे सिंस का यूज करना चाहिए। अब जैसे हो गया कि वह 4 बजे से पढ़ रहा है, तो यहां पे हमें केवल ये पता है कि उसने कब स्टार्ट किया था पढ़ना, 4 बजे। अभी तक कितना समय हो गया ये पता नहीं है। तो जब केवल स्टार्टिंग वाला पॉइंट बताया जाता है तो वहां पे सिंस का यूज करते हैं। बट अगर वही ड्यूरेशन बता दिया जाए कि कितना समय हो गया, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहां पे पूरा ड्यूरेशन बता दिया गया कि कितना समय हो गया पढ़ते हुए, 2 घंटे हो गए, तो वहां पे आपको फॉर का यूज करना होगा। इस तरह से यहां पे ड्यूरेशन बताया गया, कितना समय हो गया पढ़ाते हुए, 2 साल हो गया, सिखाते हुए 2 साल हो गया, तो यहां पे आप फॉर का यूज कर सकते हैं, फॉर 2 ईयर्स। अब ये सेंटेंस हमारा बन के बिल्कुल रेडी है कि एन ओल्ड मॉन्क हैज बीन टीचिंग हिज फेवरेट पीपल्स हॉकस पोकस अंडर अ थिक एस्पेन ट्री इन दैट डेंस फॉरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो इस तरीके से कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।